हेलो एवरीवन, इट्स देवेश। वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2023 में कंप्लीट हो चुकी है और अब आपको डाउनलोड करना है अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो आपको मैं बताऊँगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का सही तरीका। सबसे पहले आपको SLDU की मेन वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको कंटिन्यू टू वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू टू वेबसाइट पर क्लिक करोगे, उसके आगे आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब इन सारे ऑप्शनों में से आपको जाना है सिर्फ एक ऑप्शन पे, जो कि है स्टूडेंट वाला ऑप्शन, ये वाला, ठीक है। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो स्टूडेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला, इसी स्टूडेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें से नीचे थर्ड ऑप्शन एक आता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट का, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है प्रोविजनल सर्टिफिकेट वाला, इसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक तरह की ऑनलाइन हार्ड सॉफ्ट कॉपी मार्कशीट होती है, जो आपको डाउनलोड करके रख लेनी चाहिए, वो SOL में काफ़ी काम आती है, ठीक है, बाद में। और देखो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है ये आपको बाद में भी मांगा जाता है और बाद में आपको लेने के लिए इसको पैसे देने पड़ेंगे SOL के, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो अगर आपका साइट पे जनरेट हो गया है तो। अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट का जो लिंक आ गया है यहाँ पे आप देख सकते हो, साइट आ गई है। अब यहाँ पे आपको तीन चीज़ें फिल करनी है। जो सबसे पहली चीज़ है वो आपको डालना है अपना सेशन, मीन्स आपका जो पास आउट है वो कौन से सेशन में हुआ है, वो आपको यहाँ पे डालना है, 2014, 2015, 2023, 2024 जो भी है। तो मैंने देखा कि 2023-24 में अभी हाल फिलहाल में ही, मतलब इस सेशन में अभी आपका पास आउट हुआ है, क्योंकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट उनको मिलेगा जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है पूरी, ठीक है। नीचे आपको अपना डालना है SOL का रोल नंबर, जो भी SOL का रोल नंबर है वो यहाँ डालना है। SOL का रोल नंबर नहीं पता तो अपना ID कार्ड या फीस रिसिप्ट में देखोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तीसरी चीज़ आपको डालनी है एग्ज़ाम का रोल नंबर। एग्ज़ाम का रोल नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ हॉल टिकट में देखने को मिलेगा या आपके जो फी रिसिप्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये दो चीज़ें आप डालोगे, ऊपर नीचे अपना सेशन सेलेक्ट करोगे, ये वाला, ठीक है, और नीचे यहाँ पे व्यू का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर जनरेट हुआ है तो आपको वो शो हो जाएगा, अगर जनरेट नहीं हुआ तो आपको शो करेगा कि अभी आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ है, बाद में ट्राई करना, मीन्स योर प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज़ नॉट जनरेटेड येट, ऐसा शो करेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक दो प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसा दिखेगा। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो ये एक पुराना प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो इस तरह से ही आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट शो होगा, ठीक है। यहाँ पे नेम आ जाएगी और साथ ही साथ आपका ऊपर नाम यहाँ पे आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, सॉरी नाम के यहाँ पे जो है आपकी फ़ोटो होगी, उसके ऊपर आपकी डेट आएगी, ना कि डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सॉरी डेट आएगी, माई फॉल्ट। और यहाँ पर आएगा आपका सर्टिफिकेट नंबर और इनरोलमेंट नंबर, ठीक है। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट में आपको अपना नाम चेक करना है, अपना जो स्कूल का ID कार्ड है SOL का वो चेक करना है, अपना कोर्स चेक करना है, और अपना फादर मदर नेम और अपने मार्क्स और डेट और डे चेक करना है, ठीक है। मैं पास से दिखा दूं तो इस तरह का प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो आपका बनेगा। नीचे आपके साइन होंगे और नीचे इन्विजिलेटर वगैरह के साइन आपको मिलेंगे, SOL ड्यू जो ड्यू है उसके जो प्रोफेसर्स के साइन है वहाँ आपको मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। तो कुछ इस तरह का प्रोविजनल सर्टिफिकेट आएगा आपका और आपको डाउनलोड करना है। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना SOL के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।